आज हमारी तैयारी है भगवान ओमकारेश्वर और अष्ट भैरव जी के पास जाने की, जो कि मेरी वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो मच। तो अभी हम यहाँ पे दीदी के यहाँ पे भी आ रखी थी, सभी भगवानों की यहाँ पे मूर्ति लगाई हुई है, साथ आप दर्शन कर सकते हो। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवी भूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्यमेश्वर घाटी में और अपनी मध्यमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। चलो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज है सावन का चौथा सोमवार और अंतिम सोमवार। तो आज हमारी तैयारी है भगवान ओमकारेश्वर और अष्ट भैरव जी के पास जाने की। तो ओमकारेश्वर भगवान जी जो है ना, वहाँ केदार बाबा और मध्य महेश्वर बाबा जी का शीतकालीन गद्दी स्थल है और आपको वहीं उसी मंदिर में पंच केदार के दर्शन भी हो जाएंगे। और एक बात और है वहाँ की विशेषता, वहाँ उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल है। उषा जो थी वारणासुर की पुत्री थी और जो अनिरुद्ध थे वो श्री कृष्ण के पौत्र थे, यानी कि पोते थे, तो उन्हीं का विवाह स्थल भी वहाँ पाया जाता है, इसलिए वहाँ अब विवाह भी प्रारंभ हो गए हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं घर में पूजा करती हूँ, फिर चलती हूँ मंदिर की तरफ। पहले मम्मी भी अभी तैयार हो रही है। दोस्तों मंदिर में जाने की तैयारी भी हो गई है, मम्मी ने काफ़ी टाइम लगा दिया, मुझे थोड़ा लेट भी हो रही है क्योंकि मैंने मंदिर में दर्शन करके फिर ड्यूटी पर भी जाना है। तो चलते हैं, ऐसा होता है कि लड़की लेट करती है, हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ मम्मी लेट करती है। आप सभी को सावन महीने के अंतिम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार में सदा सुख समृद्धि बनी रहे। हेलो दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं और आज सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, अष्ट भैरव के मंदिर। थक गई, आज सावन का चौथा सोमवार है तो मैंने कहा मंदिर चले जाते हैं, घर का काम तो होता रहेगा, जिंदगी भर लगा रहता है, जिंदगी में काम कभी पूरा ही नहीं होता। यस दोस्तों, धीरे धीरे करके काम कम करूंगी, घूमूंगी ज्यादा। तो दोस्तों स्कूल टाइम पे ना हम इसकी ना इंक बनाते थे, इस फूल को देखकर किस किस की स्कूल की याद पुरानी हो, मतलब यादें आ गई, वो जरूर बताना। तो कमेंट आया था आपके यहाँ भैंस का दूध और गाय का दूध कितने रुपए किलो है? गाय का जो दूध है वो 55 किलो है और भैंस का जो है 60 रुपए किलो है। यहाँ पर देखो सबकी गाय भैंसे। मुझे हमारा घर हमारा घर, मम्मी कह रही इसको पहचानो, ये किसका घर है? यहाँ पे बत्ती धूप वगैरह भी ले ली है, अब चलते हैं। और हमारे घर से जो ओमकारेश्वर मंदिर है उसकी दूरी है 600 मीटर। तो दोस्तों सामने पे दिख रहे हैं हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर। दोस्तों यहाँ से है प्रवेश द्वार और मंदिर के चारों तरफ आपको फूल प्लेट सब कुछ मिल जाएंगी। दोस्तों हमने मंदिर में जल चढ़ा दिया शिव भगवान को, सारी जगह दर्शन कर लिया है। जैसे कि आपको पता है हर मंदिर में अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो आपको यहाँ पंचलिंग दर्शन हो जाएंगे और आपको यहाँ भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जय ओमकारेश्वर भगवान जी की। अभी दोस्तों आप सभी लोग भी दर्शन कर लीजिए ओमकारेश्वर भगवान जी की। यहाँ से अंदर है उषानुद्ध विवाह स्थल, वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और यहाँ पर आपको भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार आटा चावल घर से ला सकते हो और यहाँ पे दक्षिणा दे सकते हो। अभी दोस्तों हमने दर्शन भी कर लिए हैं और यही कहूँगी कि आप सभी पर भी भगवान जी हमेशा कृपा बनाए रखें। अब चलते हैं हम अष्ट भैरव भगवान की तरफ। अभी दोस्तों मंदिर के यहीं से ऊपर से रास्ते से डंगवाड़ी गाँव से होकर जाएंगे हम अष्ट भैरव भगवान जी के पास। साइड ना हमारे खेत भी हैं, मैं पहले भी यहाँ आई हूँ, जो मेरे डेली विजिटर होंगे उन्हें पता होगा, मैंने पहले भी यहाँ के ब्लॉग बनाए हुए हैं, पर आज मैं फिर आपको भगवान जी के दर्शन करवाऊंगी।
अभी दोस्तों हम अष्ट भैरव भगवान जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। सामने पे हमारे अष्ट भैरव भगवान जी। तो हमारा गांव है, मतलब जो दिख रहा नहीं है हमारे सामने पे, नीचे गांव दिख रहा है, इससे भी पीछे हमारा घर है। और हम वहां से यहां पर ओंकारेश्वर भगवान जी के दर्शन किए, अब हम जा रहे हैं देवरा के मंदिर में और फिर हम आएंगे अष्ट भैरव भगवान जी के मंदिर में। दोस्तों यहां भी हमारे खेत हैं और यहां एक 2013 की आपदा में भूस्खलन आया था और पूरी जो खेत है ना पूरे बह के नीचे चले गए थे। बड़ी मुश्किल से यहाँ फिर से खेतों में काम किया गया और बैलों को यहाँ नहीं ला पाए क्योंकि खेतों में इतने पत्थर थे कि बैल हल नहीं लगा पाए। तो यहाँ मम्मी ने हाथ से ही गुड़ाई की, सारे खेत बह गए थे। इधर देखिए लोग, फिर मैंने कुदाल से थोड़ा पत्थर पुत्थर निकाल के साइड किए, कुछ यहाँ किए, कुछ नीचे लगाए, तब जाके ये थोड़ा थोड़ा तैयार किया। प्रणाम। भोले शंकर सबकी मुराद पूरी करना, हर हर महादेव। यहाँ पर भी हमने भोले शंकर जी के दर्शन कर दिए हैं। पीछे पे शनिदेव जी का मंदिर है यहीं से पीछे की तरफ, वहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए हैं। चलते हैं हम सामने अष्ट भैरव भगवान जी के मंदिर में, दर्शन भी हो गए हैं। और यहाँ पर जो खेत है ना इस पे घास है, मतलब लोगों ने यहाँ पे धान नहीं बोई होगी और आगे की जो खेती है उसमें धान बोई हुई है। और पीछे पीछे से आ रही है हमारी माता जी। ये रहे तिल और ये रहे कौड़ी। कौड़ी ये रहा झंगोरा, कहाँ होगा ये धान है। हाँ ये धान है, फिर झंगोरा यहाँ है, झंगोरा इस साइड है। यहाँ बहुत कम होता है, यहाँ इस साइड धान ज़्यादा होती है। अब इस घर की खेती पे ज़्यादातर लोग धान ही बोते हैं क्योंकि इस साइड धान अच्छी खेती होती है, झंगोरे की उतनी खेती इस साइड नहीं होती है क्योंकि जब से आपदा आई उसके बाद से यहाँ की मिट्टी चेंज हो गई है। ये हमारे यहाँ पे ये झंगोरा है, हमारी खेती का झंगोरा है। मम्मी को क्रेडिट दे देना यार, मम्मी बोल रही है मैंने कुदाल से खोदा है। अब कोई मेहनत करता है ना तो अपनी मेहनत तो हर किसी को प्यारी लगती है। हमें ताई जी मिल चुकी हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो मच। ताई जी बोलो कुछ। बहुत अच्छा वीडियो बनाती है ये, थैंक यू सो मच। ठीक चिता बा, अच्छा भाई। ये ताई जी का घर है, मुझे पता नहीं था। हाँ इतने प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। ताई जी भी है जो दाल साफ कर रहे हैं। हेलो अगर तकबुटी तो अब हम चलते हैं। इन्होंने मुझे पहचान लिया, अचानक से बोला कि तू ब्लॉगर है ना, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है जब कोई मुझे पहचानता है। दीदी से भी मिलवाती हूँ आपको। हेलो अग्रह दीदी, कुछ बोला क्या बन मैंने तो अभी हम यहाँ पे दीदी के यहाँ पे भी आ रखी थे। ठीक है यहाँ दी दर्शन कर दो। तो प्यारे फ्लावर लगा रखे दीदी लोगों ने, यहाँ देखो बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं अष्ट भैरव भगवान जी के मंदिर में। अभी आपको ठीक से दर्शन करवाती हूँ, पहले जल लाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान जी, ये जल जो है ना वो अपने आप ही अंदर से निकल रहा है जो कि काफ़ी पवित्र जल है। दोस्तों अष्ट भैरव भगवान जिनके पास बहुत सी दिव्य शक्तियाँ हैं, यहाँ पर जो शिवलिंग दिख रहा है यहाँ पर से तो ही उत्पन्न हुआ है। अभी दोस्तों हमने मंदिर में अच्छी तरह से दर्शन कर दिए हैं अष्ट भैरव भगवान जी के। अष्ट भैरव भगवान जी की कृपा भी यहाँ पर सदैव बनी रहे। अंदर दर्शन कर लिए हैं, अब यहाँ बाहर तो भी आपको दर्शन करवा देती हूँ। सभी भगवानों की यहाँ पर मूर्ति लगाई हुई है और यहाँ पर सारे देवताओं के एक साथ आप दर्शन कर सकते हो भगवान अष्ट भैरव जी के। यह हो अष्ट भैरव भगवान जी की। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी यहाँ दर्शन करने आओ और आप पर भी भगवान जी की कृपा सदैव बनी रहे। अभी दोस्तों अच्छे से हमारे दर्शन हो चुके हैं और कुछ कहना चाहोगे मम्मी? कहना क्या है, मंदिर में आके बड़ा सुकून मिलता है। हाँ मन करता है कि डेली आए, पर क्या करें, जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है। डेली नहीं आया जाता है, डेली
सुबह घास के लिए जाना है, अब आज घर के जाके जाऊंगी घास के लिए। आज मम्मी घास के लिए नहीं गई क्योंकि मैंने कहा मम्मी जल्दी जल्दी चल, क्योंकि मम्मी आराम से घास लेके आती है मंदिर, पर मुझे होता है मैं जल्दी आती हूँ। और आज हम जल्दी आए ना तो मम्मी को अच्छे से दर्शन हो गए, नहीं तो मम्मी को पता, मम्मी और भी लेट में आती थी, भीड़ होती है ना ज़्यादा मंदिरों में, आती है पर ऐसा है कि हम आराम से आते हैं तब इतना रुकना पड़े। मैं जल्दी आती हूँ तो मुझे इतनी भीड़ नहीं दिखती है मंदिरों में। बड़ी जी भी आ गई है, तुम भी जाओ ना, मीन जल्दी जान छो। अब मेरा हमेशा पूरा फास्ट नहीं रहता है तो मन से एक लोटा जल का पट चढ़ा दिया बहुत है, तो अभी घर जाते हैं। नाश्ता तो मैं अब पूरी करूँगी, टिफिन लेके जाऊँगी। तो समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं तक रखने का। आई होप आपने आज का ब्लॉग इंजॉय किया होगा और भगवान जी के अच्छे दर्शन आप पे हो गए होंगे। पुनः यही कहूँगी कि आप सभी पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। और सावन महीने का ये अंतिम सोमवार भी आज हो चुका है, चौथा सोमवार, अब दूसरे सावन का वेट करेंगे। आप सब पर कृपा बनी रहे, आपके परिवार पर कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। गाइस मेरी स्कूल, गाइस माय स्कूल जहाँ से मैंने 11-12 पढ़ा है, अभी स्कूल चली रही है। पीछे क्लास के बच्चे अभी ना बाहर देख रहे होंगे, हम भी ऐसे ही देखते थे, जो बाहर कोई जा रहा था ना बाहर देखते थे कौन जा रहा कौन जा रहा। तो ये मेरी स्कूल है, स्कूल की यादें भी हो चुकी हैं ताजी। और अगर कोई मेरा दोस्त जो स्कूल का फ्रेंड देख रहा है तो देखो दोस्तों हमारी स्कूल।